राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सबके पास इस सवाल के अपने अपने जवाब भी हैं और तर्क भी, लेकिन फलौदी और शेखावटी का सट्टा बाजार इसको लेकर क्या कह रहा है? किस नेता का क्या भाव लग रहा है? सट्टा बाजार में जिसका भाव कम लगता है वो मजबूत दावेदार माना जाता है, और जिसका भाव ज्यादा लगता है उसके सीएम बनने की संभावना सबसे कम होती है। जयपुर में दिल्ली तक बीजेपी की बैठकों, बाड़ेबंदी की खबरों और बयानों से सीएम पद के दावेदारों के भाव हर दिन बदल रहे हैं। 8 दिसंबर से पहले दूसरे नंबर पर चल रही वसुंधरा अब सबसे कम भाव के साथ प्रमुख दावेदार बन गई हैं। दोनों सट्टा बाजारों में अश्विन वैष्णव दूसरे नंबर पर हैं। उनसे पहले इस पोजीशन पर ओम बिरला थे, लेकिन 10 दिसंबर को आए ताजा अपडेट में वे चौथे नंबर पर चले गए हैं। शेखावटी सट्टा बाजार में तो राजेंद्र राठौड़ और सतीश पुनिया भी रेस में बताए जा रहे हैं। अलग अलग नेताओं के हिसाब से बात करें तो वसुंधरा राजे सट्टा बाजार में सबसे कम भाव 125 रुपए के साथ सबसे मजबूत दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर अश्विन वैष्णव हैं। राजस्थान के पाली जिले की जीवनंद कला गांव में अश्विन वैष्णव का जन्म 18 जुलाई 1970 को हुआ। यूपीएससी में 27वीं रैंक, आईआईटी से एमटेक, अमेरिका से एमबीए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव रहे अश्विनी वैष्णव की प्रोफाइल मजबूत है। मोदी और शाह के करीबी होने के साथ अश्विनी सरकार और ब्यूरोक्रेट में प्रबंधन के लिए सीएम की रेस में प्रबल दावेदार हैं। सट्टा बाजार में उनके 1.5 रुपए के भाव चल रहे हैं। प्रबल दावेदारों में दूसरे नंबर माने जा रहे हैं। बात अगर बाबा बालकनाथ की करें तो अलवर जिले के कोहराना गांव में 16 अप्रैल 1984 को जन्मे बाबा बालकनाथ ने 6 साल की उम्र में ही संन्यास ले लिया था। बालकनाथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करीबी माने जाते हैं। पहले अलवर से सांसद रहे और अब तिजारा सीट से विधायक हैं। महंत बालकनाथ 1.75 रुपए के भाव के साथ सीएम बनने की रेस में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी सीएम पद की रेस में है। कोटा से 3 बार विधायक रहे बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और दूसरी बार सांसद के साथ लोकसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सट्टा बाजार में 2.25 रुपए के भाव के साथ ओम बिरला चौथे नंबर पर हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी दावेदारों की लिस्ट में हैं। बीकानेर के किस्मीदेशर गांव में 20 दिसंबर 1953 को जन्मे मेघवाल सरकार चलाने और प्रशासनिक कार्य दोनों की समझ रखते हैं। राजस्थान में 18% दलित हैं, लिहाजा दलित कार्ड भी हो सकता है। सीएम के दावेदारों में 2.50 रुपए भाव के साथ अर्जुन राम मेघवाल 5वें स्थान पर हैं। दिया कुमारी की अगर बात करें तो महिला कार्ड में उनका नाम फिट बैठता है। वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर भी देखा जा सकता है। सीएम की रेस में दिया कुमारी 4 रुपए के भाव के साथ 6ठे नंबर पर है। सट्टा बाजार के अपने अपने अनुमान है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं, वैसे राजस्थान से किसी चौंकाने वाले नाम की ही संभावना दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।